हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बैलू क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे कहाँ कहाँ पर इसकी वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं दीपक बायोलॉजी क्लासेज जॉब ट्रेलर, तो यहाँ पर जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली जो है मेरा चैनल का इस टाइप का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जो है जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी हो, चाहे वो लेक्चरर वैकेंसी हो, चाहे वो टीचर से रिलेटेड वैकेंसी हो। इसके अलावा जो है, अगर आप जो है वो मैं साइंटिस्ट पोस्ट से रिलेटेड वैकेंसी डालता रहता हूँ। इसके अलावा जो है प्रोजेक्ट जो निकलते रहते हैं इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे जो है मैं कंटेंट को रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप CSIR, JRF या DBT JRF या SMR JRF या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी MSc या BSc इंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जो है बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कंटेंट है वो भी मैं यहाँ पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड भी कंटेंट रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ और साथ ही साथ जो वैकेंसीज से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो भी मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो उन सब के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन या बायोलॉजी कंटेंट को मिस ना कर सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आप देख सकते हैं, ये आया SD कॉलेज Sector 32C चंडीगढ़ से। तो यहाँ पे देखिए, उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि वॉक इन इंटरव्यू फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एडॉक या गेस्ट फैकल्टी। तो ये आपकी जो है टेम्परेरी बेस की पोजीशन है, तो यहाँ पे कोई भी परमानेंट पोजीशन नहीं निकाली गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू है डायरेक्टली। तो यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द सेशन 2021-2022 विल बी हेल्ड इन द प्रिंसिपल ऑफिस। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका प्रिंसिपल ऑफिस में आपके इंटरव्यूज लिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में मेंशन कर रखा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉटनी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है नॉन साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और देखिए यहाँ पे जो है टाइम भी इन्होंने मैंशन कर रखा है कि किस टाइम पे जो है आपका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम इन्होंने क्लियरली जो है वो मेंशन कर रखा है। तो क्वालिफिकेशन और रिजर्वेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा वो एज पर UGC गाइडलाइंस के गाइडलाइंस या PU या DHE चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट मे अपियर फॉर इंटरव्यू एज पर शेड्यूल्ड गिवेन अबव, अबव पोस्ट विल बी प्योरली और टेम्परेरी बेसिस फॉर द सेशन 2021-2022। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपका जो पोजीशन है ये पूरी जो है आपकी टेम्परेरी पोजीशन है, ये परमानेंट पोजीशन नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इसके लिए तो आप इसके लिए जो है वो वॉक इन इंटरव्यू जो है आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा नोटिफिकेशन आया है वो है अम्बारा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड रिसर्च के लिए। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने डिपार्टमेंट मेंशन कर रखे हैं, चाहे वो आपका बायोटेक इंजीनियरिंग हो, CSE हो, ECE हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथ्स, MBA, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो इन सब के लिए यहाँ पे उन्होंने जो है प्रोफेसर की वैकेंसी मेंशन कर रखी है, एसोसिएट प्रोफेसर की भी और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो अगर हम बात करें आप क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की, तो वो आपको दिया जाएगा एज पर AICTE एंड KUK नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ओनली एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कंसिडर, सैलरी नो कंस्टेंट फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट, अप्लाई थ्रू पोस्ट और बाई ईमेल। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है इस पोस्ट के थ्रू या आप जो है ईमेल के थ्रू जो अप्लाई कर सकते हैं, या आप जो है बाई पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इट विल बी बेटर कि पेंडेमिक चला तो आप बाई ईमेल जो है वो अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए अगर आप अपना सारे डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हैं बाई पोस्ट, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोनों देवस्थली PO संभालका डिस्ट्रिक्ट अम्बाला हरियाणा 133101 या इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है अपना डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स। फोन नंबर मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे, इसके अलावा वेबसाइट मेंशन कर रखी है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना जो CV अलॉन्ग विद सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स इस शुड टेंड टू सेंड टू info@ambarakollege.com। तो यहाँ पे आपको जो है वो सेंड कर देना है, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए, और जो यहाँ पे देखिए आपका जो पे स्केल रहेगा वो पर रहेगा एज पर UGC और AICTE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे पे स्केल जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके लिए तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो आया वो आया श्री वैष्णवी डिग्री कॉलेज से, तो ये परमानेंट एफिलिएशन टू YUB यूनिवर्सिटी या कॉलेज अंडर UGC। तो यहाँ पे देखिए वांटेड लेक्चरर्स फॉर फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स कॉमर्स कंप्यूटर्स बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री इंग्लिश तेलुगु संस्कृत। तो ऑलमोस्ट जितने भी साइंस बैकग्राउंड एज वेल एज नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे लेक्चरर्स जो है उनकी यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका PG होना चाहिए फर्स्ट क्लास में रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट एंड मिनिमम कंप्यूटर नॉलेज इन MS ऑफिस एंड नेट ब्राउजिंग। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो सैलरी आपको दी जाएगी वो अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट्स मतलब अगर आपका PhD डिग्री है या आपका नेट क्वालिफाई या आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे अट्रैक्टिव सैलरीज दी जाएगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सेंड देयर रिज्यूम टू द फॉलोइंग मेल आईडी। तो आपको जो है 4 सितंबर से पहले अपना जो रिज्यूम है वो मेल कर देना है। यहाँ पे मेल आईडी इन्होंने मेंशन कर रखा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस फोन नंबर पे जो है अपनी क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो कि आया है इनवर्टिस यूनिवर्सिटी बरेली में जो कि UP में सिचुएटेड है, इन्वाइट एप्लीकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन। तो यहाँ पे डिसिप्लिन इन्होंने मेंशन कर रखे हैं अप्लाइड साइंस मैनेजमेंट फार्मेसी फैशन डिजाइनिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ कंप्यूटर एप्लीकेशन एग्रीकल्चर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इन सब के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसीज जो है निकाली गई है। तो अप्लाइड साइंस में आपका मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है वैकेंसीज को निकाला गया है, ऐसे ही फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट्री फार्मास्यूटिक्स की वैकेंसीज को निकाला गया है, बायोटेक्नोलॉजी में बायो इन्फॉर्मेटिक्स जीनोम डाटा एनालिस की वैकेंसी को निकाला गया है। तो आपका PhD डिग्री इसमें है या आपका PhD डिग्री इसमें है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहेगा इन पोस्ट के लिए वो एज पर UGC AICTE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगा, और जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी वो एज पर UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई बाय सेंडिंग देयर रिज्यूम एट ईमेल। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो अपना रिज्यूम जो सेंड कर सकते हैं, ईमेल आईडी यहाँ मेंशन कर रखा है recruitment@invertee.org पे। फॉर एनी क्वेरी कॉन्टैक्ट HR, तो यहाँ पे HR का नंबर दे रखा है। तो अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहिए तो यहाँ पे आप जो है HR के नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने देखिए एड्रेस मेंशन कर रखा है इन्वर्टीज विलेज NH24 बरेली 243123 और फोन नंबर भी मेंशन कर रखा है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिकुलर मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी संजय गांधी यानी कि ये जो UP में सिचुएटेड PGI, तो वहाँ से इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू इन द डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिकुलर मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए वैकेंट पोस्ट है सीनियर डिमोन्स्ट्रेटर की इन द लाइक फॉलोइंग डिपार्टमेंट फॉर अ शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे 89 डेज का ये अपॉइंटमेंट दिया होगा, उसके बाद जो है इंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा रेगुलर पोस्ट के लिए। ठीक है, तो इन्होंने अभी यहाँ पे आपको सिर्फ 89 डेज के लिए यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए नंबर पोस्ट 2 है, क्वालिफिकेशन PhD इन लाइफ साइंसेस होना चाहिए, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस का जीन साइलेंसिंग जीनोम वाइड एंड जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो है एक्सपीरियंस अगर है आपके पास BSL-2 या BSL-3 लैब का तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका 89 डेज के लिए है, तो ऑलरेडी मैं बता दिया मैंने आपको 89 डेज के लिए। एज लिमिट आपकी जो है मैक्सिमम 37 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 37 ईयर्स है, और एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का जो है आपको यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, पे अलाउंस आपका लगेगा लेवल 11 का, तो यहाँ पे जो है 67,700 प्लस आपका जो भी HRA मिलता है या DA मिलेगा वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके लिए तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।